अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद दुरूद व सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सुने आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ नोयत की है, वह इस हवाले से कि एक तो अपडेट तो हमने देनी देनी है कि अगली बर्फ़बारी गलियात में यानी कि नथिया गली वगैरह में कब हो रही है, और इस वक्त आप नज़ारे भी देख रहे हैं कि ये खूबसूरत नज़ारे आज के हैं कि ये अभी तक बर्फ़ मौजूद है, और इसमें थोड़ी सी मज़ीद कमी हो गई क्योंकि टेम्परेचर आज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम बर्फ़ अभी भी अवेलेबल है। बर्फ़ पड़ी हुई आपको मिल सकती है, आप पड़ी हुई देख सकते हैं, लेकिन लाइव बर्फबारी कहाँ मिल सकती है आने वाले हफ्ते में, ये भी हम आपको डिटेल बताएँगे। और दूसरा हम ये बताएँगे कि शुक्रान वर्सेस नथिया गली गलियात वगैरह, और इसी तरह मरी वर्सेस गलियात, तो कौन सी जगह बेहतर है और कहाँ पे आपको बर्फबारी देखने के लिए जाना देखने जाना चाहिए। तो बिल्कुल ही वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम पूरी तफसील से बताएंगे कि क्या वजूहत है कि कौन सी जगह क्यों जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बरए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर आल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मिलता रहे और आप उसी मैसेज की रोशनी में फिर अपने टूर को प्लान करें। देखें, दो कैटेगरीज हैं दोस्तों। एक तो ये कि जो लोग दूर से आते हैं, मसलन शहर से बाहर से आते हैं, बजरिया ट्रेन आते हैं, बजरिया कोच आते हैं, और फिर वो आगे से अपनी लोकल ट्रांसपोर्ट में या गाड़ी हायर करके आते हैं, तो उनके लिए और क्या सीन है, और लोकल मुकामी लोग जिन्हें में अटक से जेलम से ले तक और इवन लाहौर से लोग भी आ जाते हैं, तो उन तक के लिए दोनों के डिफरेंट इशूज़ हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग लाइव स्नोफॉल देखने के लिए शुक्रान देखना चाहते हैं, तो उनको बजरिया मोटरवे आना पड़ता है, फिर उसके बाद वो मानसेरा यानी कि हज़ारा मोटरवे से मानसेरा बालाकोट से होते हुए शुक्रान पहुँचते हैं लाइव स्नोफॉल के लिए, तो उनके पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो केवाई से ऊपर चले जाएं शुक्रान, और छोटी सी प्लेस है और वहाँ से सिरी पाए अगर रास्ता खुला हो तो वो जा सकते हैं, महदूद सी जगह, कोई इतनी ज़्यादा जगह नहीं है, और वह भी उन्हें अपनी गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है कवाई और आगे जीप में जाना पड़ता है। इसी तरह अगर वो कागान थोड़ा सा जगह है जितनी तक तक जाना देते हैं, छोटा सा बाज़ार है और बड़ी महदूद सी जगह है, इसके मुकाबले में अगर आप एक गलियात वाली साइड पे आते हैं तो ये पूरी बेल्ट है जो कि मरी से शुरू होती है और फिर नथिया गली से भी आके ताकि काला बाग तक जाती है। इस पूरी बेल्ट में प्लस इसमें ठंडियानी भी शामिल कर रहे हैं, अगर वो भी प्लेस भी सुने हैं, यानी कि एक पूरी रेंज है कि जिसमें आप बर्फबारी को लाइव नज़ारा भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसमें सिर्फ यही शर्त है कि इस इलाके में अगर आपने आना है तो स्लिपरी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी गाड़ी में भी अगर आते हैं तो स्नो चेन का होना मस्ट है, उसके बगैर फिर बर्फबारी आपको इतना देखने का मज़ा आएगा, डर और खौफ स्लिप होने का, और ये सारी चीज़ें जो उनकी आपके टूर को ख़राब कर सकती हैं। तो बेहतर इसमें यही है कि आपके पास स्नो चेन हो, अगर 4x4 गाड़ी हो तो बहुत ही अच्छा है, और फिर ये पूरी बेल्ट है मरी से लेकर नथिया गली तक तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर है, और फिर सारे इसके मुल्का अयूबिया भी है, खानसपुर है, ठंडियानी है, डूंगा गली से पाइपलाइन ट्रैक है, यानी काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो कि आपके देखने के काबिल हैं और आप देख सकते हैं। अभी ये आप मनाजर देख रहे हैं नथिया गली ऊपर गवर्नर हाउस के पास के, ये भी बड़ी खूबसूरत जगह है, यानी कि नथिया गली बाज़ार में भी अगर ऊपर आप चले जाएं तो बड़ी प्यारी जगह है, वहाँ पर पार्क भी है और मुख्तलिफ प्लेसेस हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको होटल्स की वसी रेंज मिल जाएगी। इसी तरह जिस तरह के मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये वीडियो हमने भेजी है सरदार अपना बासी साहब ने, बाबा बासी साहब ने, ईगल नेस्ट है इनका, नथिया गली में एक बड़ा खूबसूरत और लग्जरी किस्म का होटल है, इनका नंबर मौजूद है, आगे वीडियो में आप क्लिप्स भी देखेंगे तो इनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पूरी इस रोड पे मरी से नथिया गली रोड पे कूजा गली में, डूंगा गली में, नथिया गली में, हरा गली में, रत्ती गली में, जगह जगह आपको होटल्स भी मिलेंगे, गेस्ट हाउसेज मिलेंगे, हर तरह की आपको रहने की फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, और इसके साथ साथ फिर आपको मरी का शशका भी मौजूद है कि अगर आप मरी में भी जाना चाहते हैं तो यहाँ रह के मतलब मरी से नथिया गली का टोटल 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, और ये रास्ता बाज़ दफ़ा 4 घंटों पे मुहित हो जाता है क्योंकि ये रास्ते के इतने खूबसूरत मनाजर होते हैं, ये दराख सारे जब बर्फ़ से ढके हुए होते हैं तो आपका दिल करता है जगह जगह रुक कर उन नज़ारों को अपनी आँखों में मतलब कैद कर ले, अपनी आँखों के कैनवस में उतार ले और अपने
अपने मोबाइल में सेल्फियों की सूरत में, वीडियो की सूरत में वो भी लोग कैप्चर करते रहते हैं। ये ईगल नेस्ट का जो होटल है इसमें भी आप काम कर सकते हैं। ये ऊपर गवर्नर हाउस के पास है और नथिया गली से लिहाज से मिड पॉइंट भी है। आप उसमें किसी भी जगह अगर आप काम करते हैं इस पूरी मरी से नथिया गली की बेल्ट में, तो होटल के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप इन्हीं पर रिलाई करें, आप खुद जाएँ देखें, विज़िट करें, रूम रेंट वगैरह देकर सारी चीज़ें खुद अपनी चेक करके लें। बाज़ औक़ात ऑनलाइन में बंदों को दाव भी लगता है, लिहाजा इस सिलसिले में मैं किसी की गारंटी तो नहीं उठाता हूँ। हमें एक सोर्स है, इन्होंने बताया, इंशाल्लाह अभी तक तो किसी ने कंप्लेंट नहीं की है और हमारा सोर्स तभी तक रहता है जब तक कोई किसी की कंप्लेंट ना करे। तो आप ख़ुद भी रीचेक कर लिया करें होटल रेंट वगैरह के दीगर चीज़ों के। होटल रेंट इस इलाके में आपको 3-4 हज़ार रुपये से लेके तो 20 हज़ार रुपये तक भी अकोमोडेशन अच्छे से अच्छा और हल्के सल्का होटल है। नथिया गली बाज़ार अवेलेबल है, इसके अलावा काफ़ी सारे छोटे छोटे बाज़ार और भी अवेलेबल हैं जगह जगह पर। इस पूरी रोड पर किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता। पिछला वाक़या हुआ सो हुआ, लेकिन यह है कि अच्छे इंतजाम हैं इस दफ़ा, इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, यहाँ आते वक्त एक चीज़ का सामना आपको करना पड़ सकता है और वो ये है कि यहाँ पर जब आप आएँ तो फिर बाज़ औक़ात यहाँ पर रास्ते बंद कर दिए जाते हैं स्लीपिंग की वजह से और अमूमन रात को सफ़र नहीं करने दिया जाता। ये चीज़ भी अपने जहन में यहाँ पर रख कर आप आएँ। बाकी अगली बर्फबारी 8-9 को मतवक़ो है, 7 तारीख को मौसम ख़राब हो जाएगा, 8 और 9 जनवरी को अच्छी बर्फबारी के मतवक़ो है। बाकी मेरे रब की मर्ज़ी, वो चाहे जो फैसला करे, लेकिन 8 और 9 जनवरी मतवक़ो है यहाँ पर बर्फबारी हो सकती है। और वही कंसर्न है कि आप बराए मेहरबानी अपनी पूरी तैयारी करके आएँ और अपने साथ ज़रूरत की तमाम चीज़ें, गर्म कपड़े वगैरह, बच्चों के दूध दवाइयाँ, जितनी भी चीज़ें हैं सारी अपने साथ रखें और अपना पूरा ख्याल रखें। तो आज की हमारी वीडियो इस हवाले से अहम थी, हमने ज़रूरी बताना था कि आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होगी, उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होकर आएँ। तो आप इजाज़त दें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, जीते रहें, खुश रहें, बाद रहें। उम्मीद है कि मुझे आपको आज की मेरी ये कावश पसंद आई होगी, लेकिन ये कावश आपको कितनी पसंद आई है ये आपके कमेंट से और लाइक से मुझे अंदाज़ा होगा। देखते हैं आप कितने कमेंट्स और लाइक करते हैं। तो इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।